107.2 मेगाहर्ट्ज़ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर दोस्तों आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोर शो और मैं हूं पल्लवी और हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्कान लाए, दुनिया बेहतर बनाए। दोस्तों सांस की कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि एस्थमा यानी कि दमा, लेकिन क्या आप सीओपीडी के बारे में जानते हैं? सीओपीडी माने क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे आप आमतौर पर सांस की बीमारी के नाम से जानते हैं। दरअसल ये है क्या, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसका डायग्नोस और इसका इलाज किस प्रकार किया जा सकता है, हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए दोस्तों विशेष तौर पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे क्षेत्र के जाने माने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित मंडल को। डॉक्टर साहब नमस्कार और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका लिव लाइफ मोर की इस विशेष पेशकश में। नमस्कार पल्लवी जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब आए दिन हम सांस की बीमारी के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो सीओपीडी है इसके बारे में शायद हम डिटेल में नहीं जानते। तो डॉक्टर साहब आज सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को यही बताएं कि सीओपीडी का मतलब क्या है। सीओपीडी का मतलब होता है सी फॉर क्रॉनिक, मतलब लंबे अर्ज तक चलती है, ऑब्स्ट्रक्टिव ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब जो सांस में रुकावट करती है, और पी पल्मोनरी, मतलब एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है फेफड़े के नाम, और डिजीज़ मतलब रोग। इसका मतलब है कि ऐसी रोग जो फेफड़े को अफेक्ट करता है जिसमें सांस में रुकावट आती है और वो लंबे अर्ज तक चलती है, इसी के मतलब है सीओपीडी। और इसका दूसरा नाम बहुत डॉक्टर सीओएडी भी इसको यूज़ करते हैं, बट आम तौर से इसको सीओपीडी के नाम से ही जाना जाता है। डॉक्टर साहब एस्थमा और सीओपीडी ये दोनों ही सांस की बीमारी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन दरअसल इन दोनों में फ़र्क क्या है? पल्लव जी बहुत बढ़िया सवाल है। आमतौर पे हम जो सांस की बीमारी समझते हैं वो एस्थमा को ही समझते हैं, बट सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर लग जाती है तो ज़िंदगी भर चलती रहती है, और जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाती है तो इसमें तकलीफ हमारी बढ़ती जाती है। आमतौर पे सीओपीडी के जो कारण होते हैं वो है स्मोकिंग रिलेटेड, सिगरेट, बीड़ी, या जो धूल और धुएँ के एटमोसफेयर में ज़्यादा काम करते हैं तो उसको सीओपीडी कहते हैं, जब सांस की तकलीफ हो जाती है। एस्थमा में खूबी यह है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर टाइम पे मौसम के साथ आगे पीछे चलती है, जब मौसम बिगड़ती है सांस फूलती है, या कोई ऐसे एक्सपोजर होता है जिससे पेशेंट एलर्जिक हो उससे सांस तकलीफ बढ़ सकती है। इसका मतलब है बीच बीच में ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं जब पेशेंट बिना दवाइयों के बिल्कुल ठीक रह सकता है, और ये हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद पेशेंट अपने आप ठीक भी हो जाए और दवाई की ज़रूरत भी ना पड़े। अनफॉर्चुनेटली सीओपीडी ऐसा बीमारी नहीं है, एक बार शुरू हो जाती है तो वो जिंदगी भर उतड़ पाता है पेशेंट को। तो दोस्तों अब तक आप जान चुके हैं कि एस्थमा और सीओपीडी में क्या फर्क है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि किसी भी बीमारी का अगर हमने सही इलाज करना है तो पेशेंट्स को उसके सिम्टम्स यानी कि उसके लक्षणों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। और डॉक्टर साहब अब आप प्लीज हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि सीओपीडी के क्या लक्षण हो सकते हैं, ताकि समय पर इन लक्षणों को पहचाना जा सके और सही समय पर पेशेंट्स का इलाज शुरू हो सके। इसके जो लक्षण होते हैं किसी पेशेंट का, जो जिसके हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है इन द बैकग्राउंड, उसको खांसी कई हफ्तों से चल रही है और वो आम दवाइयों से या अपने आप ठीक नहीं हो पा रही है, उसके खांसी या उसका बलगम आना और उसके बीच बीच में सांस फूलना और सांस में एक साएं साएं की आवाज़ आना, या साथ वाला आदमी को लगता है कि ये तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहा है, पूरी बात एक बार में ख़त्म नहीं कर पाता है, बीच बीच में इसका रोकना पड़ता है सांस, ये सब लक्षण अगर हों तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना जांच पड़ताल कराएं, बिकॉज सीओपीडी के साथ साथ बहुत सारे फेफड़े के अलग अलग बीमारी भी हो सकती हैं, बट जब तक आप जांच नहीं कराएंगे तब तक आपका सुधार नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपने कहा कि जांच होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हाँ ये जो सभी लक्षण पेशेंट महसूस कर रहा है वो सीओपीडी के ही हैं?
पल्लवी जी, बहुत बढ़िया सवाल है, बिकॉज बहुत सारी तकलीफें उनके लक्षण एक जैसे होते हैं, तो इसमें जो एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, जो बेसिक टेस्ट, इसमें बहुत हाई फाई टेस्ट कुछ नहीं करना होता है, सिंपल टेस्ट करके इसमें और क्लिनिकल हिस्ट्री देख के, पेशेंट का स्मोकिंग हिस्ट्री, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, उनका आमतौर पर जो हम बेसिक टेस्ट जो हम कराते हैं वो एक सिंपल से एक एक्सरे और एक सांस की जांच, जो PFT के नाम से जाना जाता है, यही दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं ताकि हम पता कर लें कि सांस में रुकावट है, और है तो कितनी रुकावट है, और अगर रुकावट है तो उसमें हमारी जो दवाइयां हम जो देंगे शुरू करेंगे उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि COPD को किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है। आपने हमें ये भी बताया कि COPD का मेन कारण है तंबाकू का सेवन। तो डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से तंबाकू चबाना या स्मोक करना COPD का कारण बन सकता है। What is the relation between these two? बहुत अहम सवाल पूछा आपने पल्लवी जी, बिकॉज जब तक पेशेंट्स को या आम जनता को मूल कारण नहीं पता चलता उनके बीमारी के, वो आगे ट्रीटमेंट भी ज़्यादातर ठीक से नहीं ले पाते हैं। तंबाकू सेवन करने का जो बहुत तरीके होते हैं, एक तो जो चबाते हैं कुछ बीड़ी और सिगरेट के ज़रिए इनहेल करते हैं या सूंघते हैं, उनमें इफ़ेक्ट्स फेफड़े में सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फेफड़े को अंदर जाके धुआं के ज़रिए अंदर जाके उन हमारे जो फेफड़े की जो दीवार हैं उनको कमज़ोर करते हैं। आप यूँ समझिए कि आपके घर का दीवार आप बार बार उसको खरोद रहे हैं और फिर उसका मरम पट्टी कर रहे हैं, फिर खरोद रहे हैं, फिर मरम पट्टी करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो दीवार बहुत कमज़ोर सी हो जाती है और पतली जैसे पेपर जैसे हो जाती है। हमारे फेफड़े के अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है, दवाइयों के कारण फेफड़े के जो दीवार होते हैं अंदर वो इतने पतले हो जाते हैं कि जो नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है एक गुब्बारे की तरह जैसे फेफड़े का फूलना और अपने आप रिलैक्स करना, वो सब खराब हो जाती है। नतीजा ये कि हमें थोड़ा सा एग्जर्शन पे सांस फूलने लगता है और हमारा आम जो रूटीन काम होता है, खाना बनाना, बाथरूम तक जाना, चलना फिरना, सब बंद हो जाती है धीरे धीरे, और इसी वजह से ऑक्सीजन की भी कमी आती है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई उन इल इफेक्ट्स की जो तंबाकू कर सकता है हमारे फेफड़ों पर। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इस समय हमारे बहुत से श्रोता ये जानना चाहते हैं कि तंबाकू की वजह से हमारे शरीर पर किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस बीमारी के। इफेक्ट्स इसका ऐसा है कि टोबैको स्मोकिंग के इफेक्ट्स पूरे शरीर को, हर अंग को, हर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, राइट फ्रॉम ब्रेन, स्ट्रोक, हार्ट में जैसे लोगों का हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर की तकलीफें, दवाइयां बढ़ती जाती हैं, सांस की बीमारी, सांस फूलता रहता है, दवाइयां बढ़ती जाती हैं, एक टाइम पर ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, फिर नेबुलाइजेशन घर पर, फिर बिस्तर पकड़ लेते हैं, इस तरह से कैंसर्स, पेट के कैंसर्स, आंतों के कैंसर्स, फिर ब्लैडर के कैंसर्स, हर ऑर्गन को ये इफेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि तंबाकू किस तरह से हमारे शरीर को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। तो जरूरी यही है कि इस बुरी आदत को शुरू ही ना किया जाए, लेकिन अगर किसी के बहकावे में आकर हमने ये शुरुआत कर ही ली है तो इसे बंद करने में ही हमारी और हमारे परिवार की भलाई है। डॉक्टर साहब, हमने COPD के लक्षणों के बारे में बात की, हमने इसके डायग्नोज के बारे में बात की, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। और डॉक्टर साहब, आपकी तो ये स्पेशलिटी है, तो क्योंकि आप एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को ये ज़रूर बताएं कि COPD का इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है। COPD का जो इलाज है कई तरीके से की जा सकती हैं, जैसे टैबलेट या गोलियों से, सिरप से, इंजेक्शन से, और कुछ हम जैसे इनहेलर जैसे कहते हैं जो सूंघने वाली दवाइयां होती हैं, बट इन सब में अपनी अपनी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। ऑब्वियसली जैसे पेशेंट्स को काफ़ी लंबे अर्ज तक ये दवाइयां लेनी पड़ती हैं, हम वो कोशिश करते हैं जिसमें सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स हों लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हों, और वो है जो सूंघने वाली दवाइयां इनहेल रूट या इनहेलर के माफिक मिलते हैं। ये बीमारी जैसे लंबे अर्ज तक चलती है, दवाइयों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अनफॉर्चुनेटली बीमारी चूँकि ये बढ़ती जाती है और हम कोशिश हमारी यही रहती है कि कंट्रोल करने का, बीमारी किसी तरह से हम इसको पलट नहीं सकते, उसको बिल्कुल सुधार नहीं सकते, हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट के मेंटेन करने के लिए ये दवाइयां हम रेगुलरली एडवाइस करते हैं, जैसे इनहेलर्स। डॉक्टर साहब, अभी आपने इनहेलर्स का जिक्र किया, तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि इनहेलर्स तभी लेते हैं जब बीमारी एक बहुत विराट रूप ले लेती है। बहुत बढ़िया सवाल पल्लवी जी, और ये एक
बहुत स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि हम एक्चुअली शुरुआत में यूज़ करते हैं ये दवाई, क्यों यूज़ करते हैं ये दवाइयाँ, क्योंकि नंबर एक, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये दवाई लंबे अर्ज तक चल सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होती हैं और इसके बेनिफिट्स मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े में तकलीफ है, दवाई हमारे फेफड़े तक जाती है और वहीं से निकल जाती है, इसमें बॉडी की अंदर जो मात्रा जाती है बहुत मिनिमल जाती है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स कम होती हैं। जो सोशल स्टिग्मा जो नामा जाना जाता है कि इन्हेलर जो लग गया एक बार तो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली बीमारी ऐसी है कि जब तक आप दवाई लेंगे आपकी डिजीज़ की थोड़ी बहुत, आपकी बीमारी की थोड़ी बहुत कंट्रोल होने की गुंजाइश है। अगर आपने दवाई बंद कर दिया है आपकी बीमारी आपको खा जाएगी और तकलीफ आपकी बढ़ती जाएगी बजाय कम होने की। तो दोस्तों अभी लिव लाइफ मोर शो में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आज के विषय में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उठाइए अपना फोन और कॉल कीजिए हमें इस नंबर पर। नंबर इज 9815196731। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, महत्वपूर्ण संदेश के बाद दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है लिव लाइफ मोर शो में और मैं हूं आपकी होस्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अमित मंडल, हु इज अ सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ आर रीजन। डॉक्टर साहब, COPD के बारे में आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है आज के प्रोग्राम में, तो अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को कोई ऐसा मैसेज दें, कोई संदेश दें जिससे कि इस बीमारी से बचाव किया जा सके। मेरी तरफ से एक ही मैसेज रहेगा कि प्लीज स्मोकिंग ना करें और अगर कोई करता भी हो तो उसको रुकवाइए, बिकॉज ये इकलौता एक ऐसा स्टेप है जो आपके जिंदगी, सिर्फ आपको नहीं, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग से भी आपको भी तकलीफ हो सकती है, सिर्फ आपके नहीं, जो आप जिनको आप रोकेंगे उनकी भी जिंदगी और उनकी फैमिली की जिंदगी आप पूरे बदल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी COPD पर हमारे श्रोताओं को दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दोस्तों लिव लाइफ मोर शो में आज इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले गुरुवार सुबह 10:05 पर। और अगर आज के विषय पर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अवश्य कॉल करें। हमारा नंबर है 9815196731। So friends, this is your host Pallavi Chassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Chassal.